घर इस लड़की को देख लीजिए, प्याज छील रही है जबरदस्ती तो चश्मा लगा के छील रही है क्योंकि आंखों से आंसू। मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ, इसलिए देखो इसलिए ऐसे छील। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आज है 7 जून है और डे है ट्यूजडे है, तो ये दोपहर का टाइम है। ये दोपहर के 2 या 2:30 बज रहे होंगे अभी। तो मैं अभी किचन में ना राशन वगैरह आया है, घर का राशन वगैरह हर महीने महीने आ जाता है, तो वही राशन वगैरह आया है। तो डब्बे से मैं देखी थी, कुछ खाली थे और कुछ गंदे भी लग रहे हैं, तो मैं सोच पहले इसे भरना ही है सामान, तो पहले इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ, क्योंकि अगर 15-20 दिन पे डब्बे को साफ नहीं करोगे तो ये बिल्कुल गंदा हो जाता है, उसमें तेल भी चिपक जाता है। इस तरह से मैं गर्म पानी करके और सर्फ से ही धो रही थी सारे डब्बे को दोपहर के टाइम में। इस तरह से आप कर दोगे तो आपका किचन बिल्कुल क्लीन रहेगा, आपका सामान भी भरा जाएगा और ये आपका डब्बा भी साफ होगा। उसके बाद से कुछ देर के बाद आधा घंटा में ही डब्बा सूख गया। धूप में इतना अभी का टाइम का धूप इतना हार्ड है, इतना हार्ड है कि बस 10-15 मिनट में ही डब्बा धूप में मैं डाल देती छत पे, तो ये सूख गया था। और जितने भी राशन आए हुए हैं कि जितने भी वो सारे डब्बे में भर रही हूँ, ताकि अब इस तरह का डब्बा ले लो कि आप जो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, जो सारा जो भी रखोगे आपको साफ साफ दिखेगा, तो इस तरह का डब्बा रखना काफ़ी अच्छा रहता है। वैसी टाइप का डब्बा रहा, छोटा या बड़ा जो भी डब्बा रहता है वैसी टाइप के रखती हूँ। तो इस तरह से मैं सामान रख रही हूँ और साथ ही साथ इसमें मैं मुझे आज शाम को ना दाल मखानी बनाना था, इसके लिए मैं उड़द का दाल और चने की दाल और राजमा तीनों को भिगो देंगी इसी सामान में। सामान भरते भरते वो भी काम करता है कि शाम तक अच्छा से 4-5 घंटा अगर भिगो दो दाल काफ़ी टेस्टी बनता है, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट बनता है। तो कुछ देर के लिए 4-5 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी और सारा सामान इस तरह से मैं भरती जाऊँगी। कैसे हो? तो अभी है रात को बजे हैं 7:30, नहीं शाम को बजे हैं 7:30 और किचन वगैरह को मैंने पूरा जितने सामान से आया था सारा मैंने डब्बे में साफ करके डब्बे में भर भी दिया सारा किचन। अभी मुझे डब्बा उठा कर ऊपर उससे ऊपर रखना है, रैक ऊपर रैक बना हुआ तो मैं चढ़ के रख नहीं सकती हूँ, तो रात को मेरे हस्बैंड आएंगे तब वो रख देंगे। तो अभी मैं डिनर पसंद करूँगी, डिनर बनाया जाऊँगी। डिनर आज बनेगा मेरे यहाँ रात को चावल दाल सब्जी रोटी बनती है, दिन में चावल दाल नहीं बनती है, दिन में रोटी सब्जी सलाद ही बनाते हैं। रात को ही प्रॉपर जो होता है चावल दाल सब्जी रोटी जितने ऐसे बनते रात को, क्योंकि रात को ही ना सब शांति से खा पाते, दिन में तो जल्दी भागा दौड़ी में सही से खाना खाते भी नहीं होता, तो रात को ही अच्छे से खाना खाते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी दाल मखानी बनाऊँगी। थोड़ी पेट में दर्द हो रही थी तो मैं अच्छे से रेस्ट करने लगी, जो पंखुड़ी तब से वो क्या क्या कर रही है, प्याज काटने का ट्राई कर रही है, चश्मा लगा के प्याज काट रही थी वो उसके आँख में आंसू आ रहा था, चश्मा लगा के प्याज काट रही थी, ट्राई कर रही थी। बोली मम्मा देखी मैं सीखती हूँ, बोली कहाँ सीखी हो, तो बोलती है यूट्यूब से मैं सीखती हूँ। बोली मम्मा को नहीं देखी हो, बोली नहीं मम्मा को मैं कभी नहीं देखी काट, मैं मम्मा तो किचन में काटती हूँ, मम्मा को देखी ही नहीं। तो चलते हैं किचन में, आप लोग से रेसिपी दाल मखानी का शेयर करूँगी, आप लोग कैसे बनाते हो दाल मखानी जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए किचन में चलते हैं डिनर की तैयारी के लिए, तो चलिए चलते हैं किचन में। इधर इस लड़की को देख लीजिए, प्याज छील रही है जबरदस्ती तो चश्मा लगा के छील रही है क्योंकि आंखों से आंसू। मैं हीरोइन हूँ, इसलिए ऐसे छील रही है क्योंकि आंख में आंसू है, चश्मा लगाने से उसे लग रहा है कि चश्मा लगाने से आंसू नहीं निकलेगा आंखों से। इस स्टाइल में यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ, अब दाल बनाऊँगी। तो दाल के लिए सबसे पहले मैंने भिंगो के जो रखे थे दोपहर में, आप देखे थे ना दोपहर में मैं रखे थे जो भिंगो के, उड़द का दाल साबुत उड़द ही बनता है दाल में खाने में, लेकिन मेरे यहाँ साबुत उड़द नहीं चलता, नहीं खाया जाता है, मतलब यानी कि मेरे यहाँ चलता ही नहीं है, कुछ हुआ होगा कुछ अब पुराने लोगों को पता नहीं क्या हुआ था, नहीं पता मुझे, नहीं चलता है। लेकिन तो मैं आधा टुकड़ों वाली दाल, आधा दाल जो होता है वो चने की दाल, राजमा और उड़द की दाल तीनों को भिगो के रखता है। इसमें साबुत गरम मसाला देख सकते हो आप, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी, काली मिर्च, लौंग
और छोटी इलायची सभी को लेके मैं इस दाल में डाल दूँगी, और जितना आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उसके अकॉर्डिंग मैं पानी भी डाल दूँगी। काम पानी कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आप बाद में भी डाल सकते हो, जब आप दाल बनाओगे फिर तो बाद में भी डाल सकते हो, मतलब जब फिर दोबारा से इसे अभी सिर्फ उबालना है, नमक और हल्दी डाल के उबालना है इसे, तो अच्छी तरह से मिक्स कर दो, स्वाद अनुसार नमक डालना है, हल्दी डालना है और उबाल देना है। उसके बाद से दाल को तड़का लगाना है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं बटर डालती हूँ, स्क्रिप हो गया वो वीडियो, बटर डाली हूँ उसमें, जीरा की जीरा राय की छौंका डाली हूँ, तेज़पत्ता डाली हूँ, और लहसुन अदरक और हरी मिर्च तीनों का पेस्ट मैंने बनाया था, तीनों को पेस्ट डाल के थोड़ा देर तक भूनूंगी हल्का सा। फिर ये प्याज का पेस्ट डाल दूँगी, तीन बड़ी बड़ी प्याज, यानी कि अकॉर्डिंग आपका दाल जितना इसके अकॉर्डिंग ही आप डालोगे प्याज। अच्छी तरह से भून लूँगी सभी को, प्याज को थोड़ा अच्छा से भूनना, देखिए तेल निकलने लगा है, ऑयल निकलने लगा है प्याज से। तो फिर मैं टमाटर पीस लिया, टमाटर दो बड़ा बड़े टमाटर पीस के मैं डाली थी इसमें, सभी को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी, आप देख सकते हो। उसको भी थोड़ी देर तक भूनो जब तक हल्का सा तेल ना निकल जाए, आप देख सकते हो ऑयल निकलने लगा, समझ जाइएगा आपका मसाला भुना गया। इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दूँगी इसमें कलर के लिए, हरी मिर्च तो मैं पहले ही पेस्ट में डाली थी, तो कश्मीरी मिर्च डाल दूँगी, और थोड़ी सी दो चम्मच डाल दूँगी इसमें मलाई डाल दूँगी। आप चाहे तो बाज़ार से क्रीम ला के डाल सकते हो, अमूल का क्रीम आता है वो डाल सकते हो, फ्रेश क्रीम डाल सकते हो, तो मैंने क्रीम बाहर से नहीं मंगाया था, मैं तो मलाई ही डाल देती, घर में दूध में निकाली मलाई डाल दी, और दाल पक गया था उसमें, सारा अपने दाल को उसमें डाल दी, ट्रांसफ़र कर दी इसमें, इसी कढ़ाई से मसाला भून उसी में डाल दी दाल को, और नमक मैंने आधा नमक, पूरा नमक नहीं डाला था, तो आधा नमक अब मैं इसमें डालूँगी, हाफ नमक उबालते तो मैं डाली थी और हाफ नमक अभी डालूँगी। उसके बाद से 10 मिनट तो उबालूंगी, उसके बाद कश्मीरी मेथी डाल दूँगी।